हे गाइज, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। खाना पीना आप लोगों ने खा लिया होगा। फिलहाल मैं आया हूँ ड्यूटी पे, देखा कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ ही बनाना नहीं आता। फिर भी देखता हूँ, अभी आज लग रहा था कहीं जाऊँ लेकिन जा ही नहीं पाया, मन ही नहीं किया। मतलब आते ही नहा लिया और धो लिया, अपना नहा धो के बैठा था बेड पर भूख लग रही है, सीने में जलन सी हो रही है, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, पेट सदा भरा हुआ है लेकिन अब थोड़ी लग रहा है कि अब भूख सी लग रही है, तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा गाइस। चलिए कुछ ना कुछ बनाते हैं, मुझे सिर्फ चावल ही बनाने आते हैं, वही बनाते हैं, चावल ही बनाते हैं। चलिए तो चलते हैं किचन में गाइस। सबसे पहले तो लेते हैं, मुझे टमाटर लेते हैं, टमाटर तो ज़रूरी है, दो टमाटर ले लेते हैं इसमें से। टमाटर मिर्च ले ली, अब बनाते हैं। तो गाइस जी एक एक गिलास में चावल ले लिए, इसी को बनाते हैं। तो गाइस धो रहे हैं चावल को, मैंने इसके बाद डालेंगे प्याज, टमाटर, प्याज, मिर्च मैंने डाल दिए, प्याज डाल दी, पहली बार बना रहा हूँ चावल। अब डाल रहे हैं हल्दी, हल्दी डाल दी, हरा धनिया पाउडर, अपने बाप से रखते हैं। मसाला भून रहा है, इसके बाद फिर हम डालेंगे चावल। ये मसाला भून रहा है, पकने दो इसे, थोड़ा तसल्ली करते हैं। बिरयानी बन जाएगी। फिलहाल गाइस मुझे कुछ आइडिया था, मैंने ऐसे ही जो भी डेढ़ गिलास पानी डाल दिया है इसमें, चावल में। अब देखो ये ऐसे हो गया है, देखो अब इसका हम करते हैं ढक्कन बंद, ठीक है, और फिर 5 मिनट में सीटी बजेगी, तो बस समझ लेना बन गया। अब देखते हैं इसका, करते हैं ढक्कन बंद, ढक्कन बंद करते हैं, तो ये हो गया ढक्कन बंद, ये करते हमें ढक्कन बंद हो गया है। अब जब सीटी बजेगी तो देखेंगे, तो चलिए हम बैठते हैं, अभी सीटी बजेगी अपने आप आ जाएगी। काफ़ी रात हो गई है, 11 बजने वाले हैं, बताओ मैंने अभी खाना नहीं खाया, तो हम जब तक देखते हैं अपनी वीडियो, कंप्यूटर चलाते हैं, चल ही रहा है वीडियो, चलिए चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल गाइस दो सीटी बज चुकी हैं, एक सीटी और बज जाए, बजने वाली है। आप करते हैं गैस को बंद, नहीं तो जल जाएगा। ये गैस बंद कर दिया हमने, गैस को करते हैं बंद। चलो फिलहाल गाइस कुकर उठा के ले आया मैं, अभी यहीं बैठ के खाएंगे, पहले तो खोलते हैं, जल तो नहीं गया क्योंकि दो सीटी से तीसरी सीटी पे मैंने उठा रहा है, देखते हैं इसको। ओहो बन गया, ओहो सही बन गया भाई, भाप निकल रही एकदम ताज़ा बन गया है, मुंह में पानी आ रहा है गाइस, खाते हैं तो अब। और गाइस एक बात बता दूं, कभी भी है सबसे आसान तरीका है चावल बनाओ, नमकीन चावल बोलते हैं हमारी भाषा में, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। थोड़ा टमाटर काटा, थोड़ा प्याज काटा, हरी मिर्च और छौंक लगा दिया और ऊपर से चावल डाल दिया, ढक्कन बंद कर दिया कुकर का, बस बन के तैयार। देखो गाइस बन के तैयार हो गया है, भूखा कभी नहीं सोना चाहिए, अपने हाथ में हुनर हो तो बन जाता है। देखो मेरे हाथ में हुनर था, मैंने बना लिया, ज़्यादा कुछ नहीं आता, बस यही आता है मेरे को, बस इसमें पेट भरे या ना भरे, मेरा तो भर जाता है, आप लोगों को भरे नहीं पता नहीं। तो हे गाइस पूजा पाठ हो चुकी है, आज मैं लेट उठा, जल्दी उठा, फटाफट नहाया धोया, कल वही चावल बनाए थे वही खाए गाइस, और आप चलते हैं काम पर, और कल जो चावल वगैरह बनाए थे उसका ब्लॉग और आज तक का उसी में डालते हैं, और आप लोग देखिएगा जरूर, भूलेगा मत। तो चलिए चलते हैं गाइस ड्यूटी पे, अनुमति मांगते हैं भगवान, जा रहे हैं काम पे। इलाज चल रहा है, क्या चीज़ होगी भाई, इसको भी दवाइयाँ खा रहा है,
यहाँ पे ऑफिस में हार्ट की परेशानी हो गई है मुझे। ये तो छोटा है, इतने हार्ट की जल्दी आ गया बस पीने के चक्कर में, इसीलिए मैं सलाह दे रहा हूँ कभी कोई पिए ना करें। क्या सलाह देना, पीने वाले को क्या सलाह देना चाहते हो? पीने वालों क्या, यही मेरे जैसे बन जाएगा फिर हार्ट की दिक्कत। उसको सलाह क्या देना चाहते हो? सलाह आएगा तो जब से छोड़ दे तभी से ठीक है। आज से अगर कोई बंदा पी रहा था, अगर वो आज से छोड़ दे तो इनका कहना मतलब है जो पी रहा हो एक मतलब वो भुगत चुके हैं उनको, मतलब ये जो बीमारी हुई है उसकी वजह से, तो कहना मतलब है जो पीता हो भाई साहब वहीं से छोड़ दे, नहीं तो अन्यथा बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप तो चले जाओगे ये बहुत परेशानी हो जाएगी। तो ये दवाइयाँ भी खा रहा है, आप फिलहाल एक करता है चाय बना रहा है अभी स्टाफ के लिए, और हम दोनों तकरीबन 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं बस, और मजाक वजाक करते रहते हैं, और ये अपनी चाय बना रहा है, चाय मस्त रहे। इसकी चाय जो पीता है ना एक बार दोबारा नहीं पीता। और ये ब्लॉग में आपने बताया था सर्दियों में भी बनाई थी, मैंने ब्लॉग बनाया था वहाँ भी, इसका यही एक स्टाइल था बोलने का, वही अभी भी बोल रहा है। तो चलिए हम लाते हैं स्टाफ से थोड़ा, ये पंडित जी आ गए हमारे, आइए पंडित जी आइए, ये हमारे पंडित जी हैं। कुछ लाए हो दान दक्षिणा? कुछ रख रहे हैं पंडित जी, स्टाफ भी है। बाय बाय पंडित जी, बाय बाय। हमारे पंडित जी हमारे गुरु हैं, सही कह रहे हैं कि हमसे तो सिर्फ ज्ञान ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलने का, वो हकीकत बात भी होनी चाहिए। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को देते हैं विराम, कुछ रात का ब्लॉग भी है तो आप लोग देखिएगा जरूर, और इसमें ऐड हो गया है, और ऐसे ही खूबसूरत वीडियो के साथ फिर मिलूंगा आपको, तब तक भी बाय बाय।